नवीन जिला एमसीबी में मामूली विवाद के कारण में अपने ही रिश्ते में लगने वाला भाई पर प्राण घातक हमला करके फरार हो जाने के बाद करीब 6 महीने बाद फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। यह पूरा मामला नवीन जिला एमसीबी के भरतपुर जनकपुर का है, जहां थाने में आकर प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दलबीर यादव पिता स्वर्गीय बाबूलाल यादव उम्र 40 वर्ष निवासी पोड़ी का रहने वाला है, जो कि अपने परिवार के ही भाई गोरेलाल यादव के सिर पर प्राण घातक हमला कर कहीं भाग गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला पुलिस थाना जनकपुर में दर्ज किया गया था, जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर अपराध धारा 307, 452, 294, 506, 323 के तहत विवेचना में लिया, जिस पर नवीन जिला एमसीबी के पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश बरैया के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ राकेश कुर्रे के मार्गदर्शन में आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की गई। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी अपने घर पर है, जिसके बाद 19 सितंबर 2022 को सुबह 5 बजे घेराबंदी कर 6 माह से फरार हत्या के प्रयास का आरोपी दलबीर यादव पिता स्वर्गीय बाबूलाल यादव उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम पोड़ी थाना जनकपुर को गिरफ्तार किया और उससे रिमांड पर भेज दिया गया। कोरिया से कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आरोपी दलबीर सिंह यादव निवासी ग्राम पोड़ी दिनांक 17/3/2022 को अपने पारिवारिक भाई गोरेलाल के सिर में टंगिया से मारकर प्राण घातक प्रहार किया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना जनकपुर में अपराध क्रमांक 34/22 धारा 307, 452, 294, 506, 323 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा था, किंतु आरोपी या तो चकमा देकर भाग जाता था या जंगलों में छिप जाता था या बाहर चला जाता था। इस प्रकार लगातार प्रयास करने के बावजूद आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। अभी मनेन्द्रगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कोशवा सर के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक एफर्ट लगा करके फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे आदमी लगाए गए और सूचना मिली कि यह प्रातः घर में रहता है, इसलिए सुबह 5 बजे योजनाबद्ध तरीके से इसके घर की घेराबंदी की गई। जैसे ही इसे पुलिस की आहट मिली कि पुलिस आ रही है, ये अपने घर से निकलकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया और इससे हत्या के प्रयास में प्रयुक्त टंगिया जब्त की गई और आरोपी को इस प्रकार 6 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।